डिस्कस कर रहे हैं 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 5 में भी स्टार्ट किया था। लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी कि ये पेश किसने किया था, गुलबर्ग और वेज ने 1869 में। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक हमने कहा था रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, वो रेट जिस रेट के साथ सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्टिव मास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, कि वो हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं वो कितने कंसंट्रेटेड है। ठीक है, ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगे तो उनके दरमियान जो रिएक्शन है, जो रेट है रिएक्ट करने का, वो ज्यादा होगा। अगर उनकी कंसंट्रेशन कम है तो उनके साथ रिएक्ट करने का जो रेट है वो क्या होगा, कम होगा। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, और जो टोटल रिएक्शन का रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, मतलब जितने भी रिएक्टेंट हैं, एक है, दो है, तीन है, ये चार है, ठीक है, उनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमें बताया था गुलबर्ग ने और वेज ने। उसके बाद हमने यूनिट्स और रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था कि एक्टिव मास हमारे पास क्या है, कंसीडर्ड एज मोलर कंसंट्रेशन है, उसके यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एक्सप्रेस एज स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसे एक्सप्रेस करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। आज हमारा जो है टॉपिक है वो हमने क्या ड्राइव करना है, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। आज हम जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, जनरल रिएक्शन क्या है, कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी एरो सी सी प्लस डी इंटू डी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो हमने स्मॉल लेटर्स में ए बी सी और डी लिखे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है। अब देखें, लास्ट टाइम जो हमने रिएक्शन लिया था, ठीक है, उस रिएक्शन में सिंपल हमने क्या कहा था, ए प्लस बी, दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और दो प्रोडक्ट बना देते हैं, और वो प्रोडक्ट क्या थे, सी और डी। ठीक है, वो रिएक्शन था जब हमारे पास रिएक्टेंट की मिकदार जो है, ठीक है, वो कितनी होगी, 1 मोल होगी। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं उस रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारे पास 1 मोल ही हो। हो सकता है कि हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें एक हमारे पास रिएक्टेंट की मिकदार 1 मोल हो और दूसरी रिएक्टेंट की मिकदार कितनी हो, 2 मोल हो। तो जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के डिफरेंट होंगे तो प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे ना। तो यहाँ पर स्मॉल ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट ए के। ठीक है, स्मॉल बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल, किसके नंबर ऑफ मोल्स को, रिएक्टेंट बी के। अब ये स्मॉल सी, यहाँ पे आपने ये जो सी लिखना है वो स्मॉल होगा, स्मॉल सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, प्रोडक्ट सी के। और स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, किसके नंबर ऑफ मोल्स, जो हमारे पास प्रोडक्ट डी बन रहा है। सपोज ब्रैकेट्स में ए बी सी डी हमारे पास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, कि इनकी मोलरिटी कितनी है, 0.1 मोलर है, 0.2 मोलर है, 1 मोलर है, 2 मोलर है, 3 मोलर, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हियर A, B are the number of moles of reactants, ठीक है, while C and D are the number of moles of product. तो chemical equation, it is a reversible reaction, and thus this reaction consists of 2 reactions. इस reaction में भी हमारे पास कितनी reactions होंगे, 2 reactions. एक reaction क्या है, forward reaction, और दूसरा reaction क्या है, reverse reaction. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन को। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, ए और बी। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना उसके, ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, उनकी पावर्स बना देंगे।
ठीक है, ए का नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, स्मॉल ए, तो वो हम क्या लिखेंगे, उसकी पावर बनाएंगे। और बी के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, स्मॉल बी, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1 नंबर ऑफ मोल हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम उसे क्या लिखेंगे, स्मॉल बी। ठीक है, जैसे आपने लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर अ रिएक्शन किया था, ठीक है, सेम वैसे ही आपने सारी डेरिवेशन करनी है, लेकिन फर्क सिर्फ कितना होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको आपने क्या करना है, मोलर कंसंट्रेशन की पावर में लिखना है। ठीक है, फिर वही हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे, तो इक्वल का साइन लगाएंगे और साथ कांस्टेंट, कांस्टेंट हम क्या लगा रहे हैं, केएफ। केएफ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और साथ क्या आ जाएगा, ए की पावर क्या आ जाएगी, ए, ठीक है, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्या आ जाएगी, बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स रिएक्शन होगा। रिवर्स रिएक्शन में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी और डी के, क्योंकि रिवर्स में क्या होगा, सी और डी रिएक्टेंट्स होंगे और ए और बी क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। अब उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, सी के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल सी है, उसको हम पावर में लिखेंगे, और डी के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो स्मॉल डी है, उसको हम क्या लिखेंगे, पावर में लिखेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम खत्म करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और साथ यूनिट सॉरी कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, के आर। इक्वेशन नंबर 2, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेट को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से, किसका रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल एफ इज इक्वल टू, रेट हम किसका ले रहे हैं, कैपिटल आर, रिवर्स रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर। अगर आप लिखते हैं आर एफ इज इक्वल टू आर आर, तो इसका मतलब भी क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू किसके है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करते हुए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, कि एफ ए इंटू ए बी इंटू बी इज इक्वल टू के आर सी, और साथ क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, उसके नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टेंट को हम एक तरफ लेकर आएंगे, ठीक है, के आर सी डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, के एफ के साथ दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, के एफ ओवर के आर, दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है। जब हम दो कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक नया कॉन्स्टेंट आता है। ठीक है, उस कॉन्स्टेंट को हम यहाँ पे किसका नाम देंगे, कैपिटल के सी का नाम देंगे। तो के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, के सी इज इक्वल टू सी इंटू सी इन डी इंटू डी ओवर ए इंटू ए बी इंटू बी। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। द अबव इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर अ केमिकल कॉन्स्टेंट के सी। ठीक है, हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स। हम कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम लेते हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि रिएक्टेंट में, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है वाटर का क्लोरीन के साथ, या फिर आपने रिएक्शन डिस्कस किया था रिएक्शन ऑफ हैलोजन्स में वाटर का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन, ठीक है, 2H2O प्लस क्या आ जाएगा, 2F2। अब ये जो H2O के साथ हमने 2 स्टार्ट में लिखा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और उन्हीं नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करेंगे, पावर बनाकर लिखेंगे। नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इसकी, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि हम नंबर ऑफ मोल्स को पावर किस तरह से बनाकर लिखेंगे और उनका हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट किस तरह से लिखेंगे।